डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नोटिस के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। जो क्वेश्चन इस प्रकार है, यू आर राहुल, आप राहुल हैं, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन स्कूल, और आपने अपनी हाथ में बांधने वाली यानी रिस्ट वॉच घड़ी है वो खो दी है। राइट ए नोटिस फॉर स्टूडेंट्स, आपको एक नोटिस लिखना है फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, टू रिटर्न, कि वो उसे लौटा दे, इफ दे फाइंड इट, यदि उन्हें वो प्राप्त होती है। यानी आपने स्कूल में कहीं पर घड़ी खो दी है और आपको उसके बारे में एक नोटिस लिखना है कि विद्यार्थियों को, कि यदि उन्हें वो मिल जाए यानी घड़ी मिल जाए तो वो उसे लौटा दिया जाए। तो आइए नोटिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक ओपन बॉक्स बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओपन बॉक्स में हमें बॉक्स बनाना है, लेकिन ओपन इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें एंड में इसको क्लोज करना है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्कूल का नाम आप लिखेंगे। तो स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप अपने मन से कोई भी एक स्कूल का नाम लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, पूरा भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और किसी भी एक स्थान का नाम, हम यहां स्थान का नाम लिख देते हैं रामपुर। कोई भी आप स्थान यदि क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखेंगे, नहीं तो अपने मन से किसी भी एक स्कूल का या जगह का नाम आपको लिख देना है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। फिर यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमें यहां पर डेट लिखनी है। आप जिस दिन ये नोटिस लिखे उस दिन की, इस मैं जो लिख रहा हूं उस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। डी डी एम 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 वाई 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 नहीं लिखना है आपको, यहां पर इस फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है। फिर इसी के आगे या थोड़ा नीचे आप चाहे तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं नोटिस, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और नोटिस के बिल्कुल नीचे आपको हेडिंग लिखना है नोटिस का, जो कि किस पर है, लॉस्ट रिस्ट वॉच। तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रत्येक वर्ड है, वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखते हुए, लॉस्ट रिस्ट वॉच, और इसको आप कर दें अंडरलाइन। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपका सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद हमारा टारगेट ग्रुप है, हम यानी नोटिस किसको लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स को। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। ये बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन है जो आपको लिखनी है। अब इन्फॉर्म आगे लिखना है दैट। अब यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हो यू हैव यानी आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच समवेयर इन स्कूल, नहीं तो आप इसका पैसिव भी बना सकते हो, ए रिस्ट वॉच दैट, ए रिस्ट वॉच हैज बीन लॉस्ट। अब कहां गुम हुई है ये पता नहीं है, तो हम लिखेंगे समवेयर, समवेयर इन द स्कूल, यानी स्कूल में कहीं पर एक रिस्ट वॉच है वो गुम हो गई है। अब कैसी घड़ी है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इट इज एन HMT, यानी यह एक HMT वॉच है, यानी यह उसकी कंपनी का नाम है। चाहो तो आप आगे वॉच भी लिख सकते हो, नहीं तो HMT जो कि इसका एक मॉडल है, ब्रांड है। इसके बाद आप इसको आगे भी लिख सकते हो, इसमें बेल्ट कैसा है, तो हम लिख सकते हैं इट हैज ए ब्लैक बेल्ट, इट हैज ए ब्लैक बेल्ट। और भी इसका फीचर्स आप देना चाहे तो वो लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे आप लिख सकते हो कि मैंने इसे या ये है, पैसिव में लिख सकते हो इट हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग इंटरवेल, तो चाहे तो हम लिख सकते हैं इट हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग इंटरवेल। इसके बाद आप चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं जो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ एनी स्टूडेंट्स
एनी स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट हु फाइंड इट, यानी किसी भी विद्यार्थी को यदि ये घड़ी मिलती है, प्लीज रिटर्न टू मी, और यानी या मुझे लौटा दे या हैंड ओवर इन द ऑफिस, या ऑफिस में इसको हैंड ओवर कर दे या सौंप दे। ऑफिस की जगह चाहे तो आप रिसेप्शन ऑफिस भी लिख सकते हैं, जो कि स्कूल में होता है, तो हम यहां पर रिसेप्शन ऑफिस भी लिख सकते हैं, कोई आप एक चीज लिख सकेंगे। इसके बाद आप चाहे तो आप अपनी कृतज्ञता यानी ग्रेटफुलनेस भी आप लिख सकते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू हिम और हर, यानी किसी को भी, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, किसी को भी यदि घड़ी मिलती है तो मैं उसका एहसानमंद होऊंगा। इसके बाद आप यहां पर जिसने लिखा है उसके सिग्नेचर, तो यहां पर आप देखें तो नेम है यू आर राहुल, तो यहां पर राहुल का सिग्नेचर तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको थोड़ा सा तिरछा राहुल लिख देना है और साइन कर देने हैं। इसके बाद नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं राहुल, और कहा आप कौन है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, स्टूडेंट, तो आप यहां लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। और फिर यहां पर आप देखें तो अब अपना नोटिस पूरा हो गया है, और हम इसको अब यहां पर इसको कर देंगे क्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एक लॉस्ट रिच वॉच पर नोटिस लिखा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।